योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर दोबारा संभालने के बाद एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में जुटे हुए हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में आम जनता की तरफ पहुंचे। वो मरीज बनकर लाइन में लग गए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्या को जाना और इधर उधर घूमकर सूचनाएं जुटाई। ब्रजेश पाठक खास तौर पर ओपीडी पहुंचे, जहां की बद इंतजामी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए केजीएमयू के नंबर पर फोन करने वाले मरीजों की कॉल रिसीव नहीं होने पर जमकर फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने 24 घंटे में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। दरअसल निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर कई बार कॉल की, हर बार नंबर बिजी आया। इससे नाराज होकर वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक्सचेंज पहुंचे। वहां सिर्फ 2 लाइन पर बातें हो रही थी और बाकी 10 लाइन खाली थी। इससे ब्रजेश पाठक नाराज हो गए। उन्होंने जमकर क्लास लगाई। कई मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि वो सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। लाइन में खड़े लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। इस पर नाराज डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को अस्पताल के हालात में सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने बलिया की घटना के जांच के आदेश देने की बात भी बताई। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बलिया में एक बुजुर्ग पति को अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। लाचार होकर वो ठेले पर ही मरीज को लेकर 4 किलोमीटर दूर पीएचसी पहुंचा। इसकी खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।